गुड इवनिंग गाइस, अभी आवाज आ रही है सबको? अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी टाइप कीजिएगा, आप लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस, दिस इज द टेलीग्राम चैनल। अगर आप अन टेलीग्राम यूजर हैं तो टेलीग्राम चैनल भी आप लिंक पे जा सकते हैं और अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारी क्विज और बहुत सारे टीचर्स की असिस्टेंस भी प्रोवाइड हो जाएगी। एंड गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई भी बैच का आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंक या फिर सीडीएस या फिर डिफेंस, तो आपके सामने टाइमिंग्स उसके और उसके जो प्राइस हैं वो गिवन है। देखिए, वन मंथ का कोर्स 1440 का है, लेकिन वन मंथ के कोर्स का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि एक महीने में तो प्रिपरेशन नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं तो एटलीस्ट 3 मंथ्स का कोर्स ज़रूर लीजिएगा, वो है 3600 का। आप एक कोड अप्लाई कीजिएगा, दैट इज APARNA, एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट आफ्टर अप्लाइंग दी कोड। सो गाइज, अगर आपका कोई दोस्त या आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है कोई भी एग्जाम की, तो आप बिल्कुल अनअकैडमी का कोर्स परचेज कर सकते हैं। एंड अब हम चलते हैं कल की, जैसे हमने बहुत सारी idioms और phrases करे थे, और मैं बहुत बढ़िया हूँ, idioms और phrases किए थे, और उन idioms और phrases हमने जो defense exam से related हैं वही idioms और phrases किए थे। तो आज भी students हम वही करने जा रहे हैं, और कल का जो session रहेगा वो superfluous words का रहेगा। कल का जो सेशन रहेगा वो सुपरफ्लूस नहीं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती हैं। कल का जो सेशन रहेगा 4 बजे का, वो सुपरफ्लूस वर्ड्स का रहेगा। एक्चुअली सुपरफ्लूस वर्ड्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में आते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैंडेटरी भी और इम्पेरेटिव भी हैं। तो वो वाले कल जो सेशन लेकर आएंगे, कल उसी के ऊपर सेशन लेकर आएंगे, क्योंकि idioms phrases बहुत सारे हो चुके हैं, और जितने भी हो चुके हैं वो आपके डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड ही हो चुके हैं। कल जैसे कि मैंने बहुत सारे idiom phrases आपको कराए थे और आपके ही एग्जाम से रिलेटेड कराए थे, जो डिफेंस में आने वाले idiom phrases हैं, तो आज भी हम idiom phrases वही वाला करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है green around the gills, green around the gills का मीनिंग कौन बताएगा? कुछ ना कुछ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें इकोलॉजी या एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा है। ग्रीन अराउंड द गिल्स मतलब वीडियम पढ़ के तो यही पता चल रहा है, और देखते हैं इसका मीनिंग क्या हो सकता है।
हैप्पीनेस एवरीवेयर, ओके मैं बता देती हूँ। देखिए ग्रीन अराउंड द गिल्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है, ग्रीन अराउंड द गिल्स का मतलब होता है थोड़ा सा अनप्लीजेंट होना। अनप्लीजेंट का मतलब होता है थोड़ा सा ऑकवर्ड होना और थोड़ा सा अनप्लीजेंट होना। अब आप ये सोचोगे या फिर थोड़ा सा नर्वस होना या फिर अच्छे से अच्छी फील नहीं देना, मतलब कि अनवेल हो जाना, मतलब लाइक ऐसे जैसे फीवर हो जाता है किसी पर्सन को तो अनवेल महसूस करता है वो। ग्रीन अराउंड द गिल्स का मतलब यही है, फीलिंग अनवेल और फीलिंग टेंस्ड। लिख लीजिएगा इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है फीलिंग अनवेल और फीलिंग टेंस्ड। अब आप सोचोगे कि ग्रीन अराउंड द गिल्स, यहाँ पे तो ग्रीन जो है वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, बिल्कुल दे रहा होगा ग्रीन पॉजिटिव सेंस। आप ये समझ लो जैसे कि हमारे जो गिल्स होते हैं उनमें कोई ग्रीनरी जम जानी, मतलब कि हमारे जो गिल्स होते हैं जो लंग्स होते हैं उनमें कोई ग्रीनरी जम जानी, मतलब उनमें कोई नेगेटिव चीज आ जानी, ताकि हम जिससे हम कैसा फील कर रहे हैं, अनवेल या फिर परेशान फील कर रहे हैं। तो लिख लीजिएगा ग्रीन अराउंड द गिल्स का मतलब जितने भी वर्ड्स नेगेटिव होते हैं वो सारे हैं, जैसे कि हो गया आपका अनवेल होना, टेंस्ड होना, हेजिटेट करना, वो सारे वर्ड्स जितने भी नेगेटिव सेंस देते हैं उसका मतलब होता है ग्रीन अराउंड द गिल्स। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए मुझे कल के ईडियम का कोई मीनिंग बताएगा, एक सेकेंड। कल का ईडियम था Cat in gloves catches no mice. कोई मुझे इसका मीनिंग बताएगा? Cat in gloves catches no mice. कल के जो मैंने idiom phrases कराए थे इसका कोई मीनिंग बताएगा? Cat in the gloves catches no mice. कल जो जो क्लास में थे सब लोग बताइए। सूरज रमोला भी क्लास में थे, श्रीकांत भी क्लास में थे। कैट इन द ग्लव्स कैचेस नो माइस, हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर idiom? इसका मतलब मैंने आपको समझाया था ना, शायद आप भूल गए। इसका मतलब ये था, नहीं नहीं एग्रेसिव होना नहीं था, इसका मतलब ये था कि जो बिल्ली है अगर वो ग्लव्स पहन ले तो वो कोई भी चूहा नहीं पकड़ सकती, कहने का मतलब है। वेरी गुड श्रीकांत, ने बहुत सही आंसर दिया है। कभी कभी पोलाइट होना भी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। वेरी गुड, सो ग्लव्स कैचेस नो माइस का मतलब है बींग पोलाइट इज नॉट समटाइम द सोल्यूशन। एंड ग्रीन अराउंड द गिल्स का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा नर्वस होना या बहुत ज्यादा अनवेल फील करना। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर idiom। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका मतलब आप लोग घर पे पढ़ रहे हो तभी आप आंसर दे पा रहे हो। अगला क्वेश्चन है ब्लाइंड मेंस हॉलीडे, कौन बताएगा इसका मीनिंग? बिना गूगल करे सोच के बताओ, ब्लाइंड मेंस हॉलीडे। जल्दी से कोशिश किया करो भाई सभी लोग, ब्लाइंड मैन हॉलिडे। क्या लग रहा है, क्या मतलब हो सकता है ये? पहले कभी सुना है ब्लाइंड मैन हॉलिडे? पहले कभी सुना है? कभी नहीं सुना? देखिए मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल सा इसका मीनिंग है। एक्चुअली ब्लाइंड मैन हॉलिडे का मतलब है कि जो अंधा आदमी है उसकी हमेशा छुट्टी रहती है, जो अंधा आदमी है उसकी हमेशा छुट्टी रहती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक वो पर्सन बच्चा, नो वन कैन सी एनीथिंग, नहीं मैं बता देती हूँ, इसका मतलब ये होगा एक वो बंदा
जो जिसकी इनएबिलिटी होती है कि वो रात में काम नहीं कर सकता, अ पर्सन हु हैज द इनएबिलिटी टू डू द वर्क एट नाइट, तो इसका मीनिंग लिख लीजिएगा ब्लाइंड मैन हॉलिडे का मतलब होता है वो बंदा जो रात में काम नहीं कर सकता, ठीक है। लिखा हुआ है ब्लाइंड मैन की हमेशा छुट्टी रहती है, मतलब रात को काम नहीं करता इसलिए छुट्टी रहती है। लिख लीजिएगा मीनिंग जल्दी से। बैग लाइक सर्डाइंस का मतलब क्या है? सर्डाइंस एक ऐसी जगह होती है जो बहुत छोटे से एरिया की होती है, मतलब बहुत छोटे से एरिया। नाउ यू कैन हेयर मी गाइस। हाँ, बहुत छोटे से एरिया को हम सर्डाइंस बोलते हैं। तो पैक्ड लाइक सर्डाइंस का मतलब है कि पीपल जो हैं वो इतने छोटी सी जगह में कैद हैं या इतनी छोटी सी जगह में बंद हैं कि वो इस तरह से कैद हुए हुए हैं जैसे पीपल लाइक सर्डाइन। पैक्ड लाइक सर्डाइन मतलब आप ये समझिएगा जैसे कि कोई बोले कि ठंड बहुत ज्यादा है एक छोटे से, कि जो बात फ्रूटफुल नहीं है, द थिंग विच इज नॉट वेरी फ्रूटफुल, जो चीज बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा होना, उसको हम बोलते हैं टेम्पेस्ट इन अ टी पॉट। अभी भी आवाज नहीं आ रही है, नेट इश्यू तो नहीं है, अब तो क्लियर चल रहा है सब कुछ। अभी तो कोई नेट इश्यू नहीं है।
इज एवरीथिंग ओके फॉर ऑल द पीपल? सो टेम्परेस्ट इन अ टी पॉट का मतलब होता है कि फालतू की, मतलब एक चाय के पॉट के लिए आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो। कहने का मतलब है कि इतनी छोटी सी ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं टेम्परेस्ट इन अ टी पॉट। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गई ये बात? ठीक है, ये वाला ईडियम सबको क्लियर हो गया। चलें अगले ईडियम पे, चलिए अगले ईडियम पे चलते हैं। अगला ईडियम है अपसेट द एप्पल कार्ट। कौन बताएगा इसका मीनिंग? अपसेट द एप्पल कार्ट सीडीएस के आईवे एग्जाम का क्वेश्चन है। अपसेट द एप्पल कार्ट मतलब, अपसेट का मतलब आप समझ रहे हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव से है। देखिए बच्चा, अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब होता है कि किसी का प्लान स्पॉइल कर देना। कार्ट का मतलब क्या है? गाड़ी। ठीक है भाई, उसका प्लान था कि वो गाड़ी लेगा या उसका प्लान था वो गाड़ी में घूमना चाहेगा, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने उसके प्लान को चौपट कर दिया। मतलब कि अपसेट द एप्पल कार्ट की जो हिंदी होती है वो होती है सारी चीजें चौपट कर देना। कहता है तुमने मेरा मामला चौपट कर दिया, मतलब तुमने मेरा जो बना बनाया काम था वो सारा बिगाड़ दिया। तो स्पॉइल दी प्लान, या फिर एक चीज और बोल सकते हैं बच्चा इसको, कि अपने स्टेटस को खराब कर देना। टू स्पॉइल योर स्टेटस, टू स्पॉइल योर स्टेटस, अपने प्लान को खराब कर देना या अपने स्टेटस को खराब कर देना, उसको बोलते हैं अपसेट द एप्पल कार्ट। सबको क्लियर हो रहा है ये? चले अगले वाले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं ना। फिट ऑफ पीक, पी आई क्यू यू ई, कौन बताएगा? सबसे पहले तो एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, इसका मीनिंग बताइए। पी आई क्यू यू ई, पीक एक स्पोर्ट्स बंदे का नाम था, लेकिन वैसे मीनिंग क्या है इसका? पीक का मतलब होता है बच्चा एक ऐसी फीलिंग होना जो इरिटेशन क्रिएट करती है। ठीक है, पीक का मतलब लिख लीजिएगा, एक ऐसी फीलिंग होना जो इरिटेशन क्रिएट करती है। तो इन अ फिट ऑफ पीक का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, मैं बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ। इन अ फिट ऑफ पीक का मतलब क्या होता है बच्चा, जैसे कोई बंदा बहुत ही बैडली बिहेव करता है। क्यों बिहेव करता है? क्योंकि उसको इरिटेशन हो जाती है। इसका मतलब इरिटेशन नहीं है, गलत बोला सूरज रमोला आपने आंसर। फीलिंग इरिटेट इज नॉट द आंसर ऑफ इन अ फिट ऑफ पीक, मतलब उसको इरिटेशन हुई इसीलिए उसने ऐसा बिहेव किया, मतलब वो उसमें फिट हो गया, मतलब इरिटेशन के चारों तरफ घूमने लगा और इरिटेशन की वजह से वो अपने आप को बहुत ज्यादा लो फील करने लगा, उसकी प्राइड हर्ट हो गई इसीलिए वो बहुत ज्यादा बैडली बिहेव करने लगा। तो इसका मतलब फीलिंग इरिटेशन नहीं है, फीलिंग इरिटेशन इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं, इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब है बैडली बिहेव करना। ठीक है, लो फील करना, वो भी बेसिकली क्यों, जब आप बहुत ज्यादा इरिटेशन फील करते हो। इतनी बात सबको समझ में आ गई? सॉरी, फीलिंग लो, हाँ जी बिल्कुल सही बोल सकते हो आप, लो फील करना। अगले वाले क्वेश्चन पे करें, हाँ जी, बिहेव बैडली। अगला क्वेश्चन है डर्ट चीप। ये तो पक्का आपको शायद मीनिंग पता होगा, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव सा लग रहा है। आपको क्या लगता है डर्ट चीप का मतलब क्या होगा? देखो बड़ा ही सिंपल सा है,
हाउ टू यूज दिस फ्रेज इन द सेंटेंस, दिस यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रेज. हाँ मैं बिल्कुल बता सकती हूँ इसका फ्रेज का मतलब. देखो यू आर डूइंग द एक्टिविटीज विच मेक्स मी इन अ फिट ऑफ पी क्यू. मतलब तुम ऐसे काम कर रहे हो जो मुझे बहुत ज्यादा मेरी प्राइड को फील कर रहे हैं, मतलब मेरी प्राइड को हर्ट कर रहे हैं. बेटा प्राइड और प्राउड में एक फर्क है. प्राइड का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस, वैसे तो ये नाउन होता है. ठीक है चले अगले क्वेश्चन पे. बैड थिंकिंग होना है, बैड बिहेव करना. हाँ जी डर्ट चीप का मतलब होता है, देखो एक तो चीप लग गया, ठीक है ऊपर से डर्ट और लग गया, तो डर्ट चीप का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सट्रीमली चीप, मतलब बहुत ज्यादा सस्ता या बहुत ज्यादा घटिया. आप खुद देखो जो चीज सस्ती है वो घटिया है, ऐसा तो नहीं होता ना. एक्सट्रीमली चीप मतलब बहुत ज्यादा खराब होना, या फिर आपको इसको ऐसे भी बोल सकते हो एट अ वेरी लो कॉस्ट या अफोर्डेबल होना. एक मीनिंग अगर आप डालोगे तो मीनिंग मिलेगा एट अ वेरी लो कॉस्ट या फिर अफोर्डेबल होना, कि मतलब कोई भी इसको खरीद सकता है, एक इनएक्सपेंसिव भी बोल सकते हैं, ठीक है रीजनेबल भी बोल सकते हैं. आप इनके सबके मीनिंग लिख लीजिएगा बच्चा. रीजनेबल भी बोल सकते हैं, एट अ लो कॉस्ट भी बोल सकते हैं, अफोर्डेबल भी बोल सकते हैं, और इनएक्सपेंसिव भी इसका आंसर हो सकता है. ठीक है लिख लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. गुड इवनिंग हिमांशु शर्मा. अंकिता वेरी गुड. सूरज ने भी सही आंसर दिया है. आज आप लेट कैसे हो गए? हाँ जी बहुत ज्यादा लेट हो गए, लिटिल नहीं बहुत ज्यादा. कोई नहीं आगे ऑफलाइन क्लासेस देख लीजिएगा. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, मतलब हमें जंगल नहीं मिल रहा है पेड़ों के लिए, तो मतलब कहीं ना कहीं. अच्छा ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था सीडीएस में. मैं तो आपसे बोला ही था कि मैं आपको वही सारे इडियम्स करा रही हूँ डिफेंस से रिलेटेड जो डिफेंस में ऑलरेडी आए हुए हैं. पक्का आपको काउंसलिंग क्लास मिल जाएगी बेटा, डोंट वरी. इसीलिए मैंने आपसे बोला था मैं वही इंपॉर्टेंट idioms और phrases करा रही हूँ जो आपके डिफेंस एग्जाम में आए हुए हैं. तभी तो बोला था सेशन इज मोर इम्पोर्टेंट. कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, कौन बताएगा? नो लैंड. जय हिंद. सॉरी मैम लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है श्रवण कुमार, कोई इशू नहीं है. देखिए मैं बता देती हूँ इसका मतलब क्या है. देखिए आप कहीं सेंस देखे, सेंस देखिएगा, नहीं नो स्पेस नहीं है, मैं बताती हूँ क्या है. आप किसी प्रॉब्लम में, मतलब तुमको जगह नहीं मिल रही पेड़ों को रखने की फॉरेस्ट में, इसका मतलब क्या है कि तुम किसी प्रॉब्लम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि तुमको जगह नहीं मिल रही, मतलब तुमको यही नहीं पता चल रहा कि प्रॉब्लम है क्या. मतलब कहते हैं ना इतना ज्यादा परेशान हो जाना किसी चीज में, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना कि तुमको यही नहीं पता चल रहा कि वो पर्सन कैसा है या वो प्रॉब्लम कैसी है. मीन्स टू इन्वॉल्व इन अ थिंग वेरी मच, to involve in a thing very much that you cannot understand the problem, that you cannot understand the problem, मतलब आप problem नहीं समझ पा रहे हो, lost हो जाना. इसका मैं और भी meaning बता देती हूँ. देखो Google पे तो एक ही meaning आपको पता चलेगा, और भी meaning लिख लीजिएगा बच्चा. इसका और meaning है know the score, know the score. ठीक है apprehend, apprehend, figure, grasp, मतलब figure का मतलब तुमको पता चल गया कि क्या क्या count कर सकते हो तुम इस चीज को, grasp. ठीक है लिख लीजिएगा. कहते मेरी परे है ये चीज, मैं इतना ज्यादा enter हो गया मुझे पता ही नहीं चल रहा. How can I get counseling class from you? सूरज रमोला आप counseling class ले सकते हैं.
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले, अगले वाला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ear to the ground. कौन बताएगा इसका मीनिंग? ear to the ground. Who will tell me the meaning of the word ear to the ground? बहुत सिंपल है, एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर के। ear to the ground या have ear to the ground, अपने कान ग्राउंड तक रखना, मतलब इतनी चीजें सुन लेना कि जो आवाज धरती तक भी जा रही है। मतलब कहते हैं ना, तुम्हारे कान तो बहुत तेज हैं, उसका मतलब यही है, कान बहुत तेज हैं, मतलब कि तुम सारी चीजें बहुत अटेंशन से सुनते हो। मींस बी योर गार्ड, अपना ही गार्ड होना, अटेंशन, अटेंशन होना, अटेंटिवनेस, अटेंटिवनेस होना, कीप एन आई, अपनी नजर टिकाए रखना, ये तो idiom ही है, कीप एन आई ना, फोकस, ये सारे बच्चा क्या हो जाएंगे? ये सारे मीनिंग हो जाएंगे कौन से वर्ड के? दीवार के भी कान होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही, अटेंटिव होना, कान बहुत ज्यादा तेज होना। जरा मैं कल वाले क्वेश्चन में से आपसे कोई आंसर पूछ सकती हूँ क्या? सब लोग बताने की कोशिश करेंगे, हम ये देख लें कि आपने घर जाके कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, मतलब आप घर से घर पे जाके, मतलब आई मीन टू से जब आप फ्री टाइम होता है तो आप पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो? पूछ सकती हूँ मैं कल वाला कोई भी idiom आप लोगों से? हाँ जी बिल्कुल पूछ सकती हूँ, मैं पूछ ही लेती हूँ। वन फॉर द बुक्स का मतलब क्या होगा? कल मैंने ये idiom का आंसर सभी लोगों को दिया था, जल्दी इसे बता दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग एग्जाम पढ़ रहे हैं। वन फॉर द बुक्स, नमस्कार और ओके। हाँ जी जल्दी से बताइए, वन फॉर द बुक्स का मतलब क्या होगा? ईयर ऑफ द ग्राउंड का मतलब मैंने आपको बता दिया, अटेंटिवनेस है। मैम मैं कल एब्सेंट था, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्चाइल रेयर होना। हिमांशु और स्वप्निल ने बहुत सही आंसर दिया, इसका मतलब मैंने बताया था किताबी कीड़ा तो बहुत कम मिलता है, इसका मतलब अनएक्सपेक्टेड होना या रेयर होना। बहुत सही आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ कल से ही रिलेटेड, जंप द गन, कौन बताएगा इसका मीनिंग? जंप द गन, हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड जंप द गन? हाँ जी, वंस इन अ ब्लू मून बोल सकते हो आप। जंप द गन, जल्दी से बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव हैं, बता सकते हो आप आंसर? परफॉर्म अ टास्क विदाउट एनी परमिशन, भाई श्रीकांत स्वप्निल दोनों लोग आंसर दे रहे हैं, और कोई आंसर नहीं दे रहा है, या फिर हिमांशु, बहुत सही आंसर है, जंप द गन का मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर गन हम बिना परमिशन के लेंगे तो वो इलीगल हो जाएगी, तो जंप का मतलब होता है बिना परमिशन के कोई भी काम करना, वेरी वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फीलिंग द पिंच, कौन इसका आंसर बताएगा? फीलिंग द पिंच, बच्चा फीलिंग द पिंच का मतलब मैं बता देती हूँ, फीलिंग द पिंच का मतलब होता है छोटी सी पिंच करना भी आपको फील हो रहा है, कहने का मतलब है कि आपके लिए इतनी ज्यादा हार्डशिप हो रही है इस लाइफ में, मतलब आप कोई भी चीज टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब बेसिक नेसेसिटी भी आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, लिख लीजिएगा। कहने का मतलब होता है कि आप उतना पैसा नहीं कमा रहे हो जितना पैसा पहले कमाना चाहिए था, ठीक है? तो फीलिंग द पिंच का मतलब होता है एक ऐसी चीज फील करना, मतलब पिंच,
छोटी सी चूटी काटना भी हमें फील कर जाता है, फील कर जाता है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना, या फिर ये बोल सकते हो कि आप जैसे पहले जितना कमा रहे थे उतना नहीं कमा पा रहे, तो फील द पिंच। अच्छा आपको एक बात बताती हूँ मैं, कोविड है ना, कोविड चल रहा है, आप सभी को पता है कोविड पेनेडेमिक की वजह से इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कितनी डाउन चली गई, मतलब माइनस में इकॉनमी चली गई, क्योंकि सारी चीज़ें रन नहीं हो रही। अगर आपने इकॉनमी पढ़ा होगा, ठीक है, और अगर सारी चीज़ें रन नहीं हो रही तो इसका मतलब सबकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत लो गई है। तो अभी हम ये यूज़ कर सकते हैं सबके लिए, फीलिंग द पिंच, मतलब आपको एक चूटी काटना भी फील हो रहा है, मतलब आप इतनी ज़्यादा हार्डशिप में हैं कि आप जितना पहला पैसे कमा रहे थे अब उस हिसाब से वो पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता। ठीक है, बहुत जल्दी से रिएक्ट करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पे थ्रू द नोज, जल्दी से बताओ कौन बताएगा, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है सीरियस में। पे थ्रू द नोज, कौन बताएगा, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा, पे थ्रू द नोज। देखो पे थ्रू द नोज का मतलब होता है कि इतना पे कर लेना जितना कि कहते हैं ना अपनी नाक के लिए, मतलब अपने प्राउड के लिए उसने इतना काम कर लिया जो उसके औकात से बहुत ज्यादा बड़ा था, मतलब अपनी चादर इस तरह से फैलानी चाहिए। एग्जैक्ट आंसर बीइंग चीप नहीं होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कि अपनी नाक को रखने के लिए, मतलब अपने प्राउड, कहते नहीं मेरी नाक कटवा दी, मतलब प्राउड को रखने के लिए इतना ज्यादा पे कर देना कि जितनी आपकी औकात भी नहीं थी, जितना आपका मन भी नहीं था। तो पे थ्रू द नोज का मतलब होता है पैनी, पैनी का मतलब है, या जिसको जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा बंदा खर्च करने वाला, एक्स्ट्रा वेजेंट जिसको बोला जाता है। एक्स्ट्रा का मतलब है ज्यादा और वेजेंट का मतलब है खर्चीला, एक्स्ट्रा वेजेंट चार्ज ज्यादा लगाने वाला, ठीक है, या चार्जिएबल, ये सारा, डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा निकलना, ठीक है। पेड भी बोल सकते हैं, अच्छा एक और बोलते हैं इसको ना, स्पेंड थ्रिफ्ट का नाम सुना है बच्चा आपने, स्पेंड थ्रिफ्ट। अच्छा प्रीवियस वन का ही क्वेश्चन है, अरे वाह, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है बच्चा खर्चीला, है ना, तो इसका कोई भी मीनिंग हो सकता है, मतलब अपने नाक के लिए, अपने प्राउड के लिए इतना ज्यादा पे कर देना जितनी हमारी औकात भी नहीं हो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हाँ जितनी चादर उतना पाव फैलाना। किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग, ये तो कहीं ना कहीं सुनावा या फिर दिमाग लगा के आप लोग बता ही सकते हो, उन मुर्गियों को मारना जो आपको सोने की अंडे देते, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, हिंदी में इसका मतलब वही है, सोने की चिड़िया, मतलब एक वो चीज, टू किल द वन हु प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ मनी टू यू, उस पर्सन को मार देना जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करता हो, उसको हम बोलते हैं किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग, और भी इसके वर्ड बोल सकते हैं हम, ब्लास्ट कर देना, ठीक है, सारी चीजें खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, फॉल इन, सेक्रीफाइस कर देना भाई, लेकिन वो बड़ा परेशान बहुत कर रहा है, भले ही वो पैसे कमा के ला रहा है, परेशान सबसे ज्यादा कर रहा है, तो उसको मार दिया, स्मैश कर देना, सोने की मुर्गी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वही तो मैंने बताया सोने की मुर्गी होना, लेकिन सोने की मुर्गी को उसने मार दिया बेचारे ने। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हेल्क्विन डेज, तो सबने सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफलाइन देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं। हेल्क्विन डेज कौन बताएगा, अच्छा विंटर में आजकल सेलिब्रेट नहीं कर रहे लोग,
विंटर में आजकल ये सब सेलिब्रेट नहीं करते है ना, करते हैं ना विंटर्स में सेलिब्रेट करते हैं ना, जितने भी ये बॉलीवुड वगैरह के स्टार्स हैं ये सब सेलिब्रेट कर रहे थे, फेसबुक पे फोटोज वोटोज भी डाल रहे थे। इसका मतलब होता है हैप्पी डेज, खुशी के दिन, मतलब ये विंटर्स में ही सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट इन विंटर्स, खुशी के दिन। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है, सेलिब्रेट इन विंटर्स मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, ब्यूटिफुल डेज, हैप्पी डेज, बहुत ही खुश डेज। वेरी गुड, कुणाल ने भी सही आंसर दिया है, सभी लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं। हैप्पीनेस भी, अच्छा बेड ऑफ रोजेस भी तो बोल सकते हैं ना, बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है खुशियां, और बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब होता है दुख, थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे, ठीक है। बेड ऑफ रोजेस, गुडी भी बोल सकते हैं, जॉय भी बोल सकते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, चले अगले क्वेश्चन पे। अच्छा एक और भी बोल सकते हैं इसके, इससे रिलेटेड एक और भी इडियम है बच्चा, लाइक अ डॉग विद टू टेल्स, ऐसा डॉग जिसकी दो दो टेल हो, मतलब बहुत ही रेयरली ऐसी चीज मिलती है, और बड़े ही खुशहाल पर्सन। रेड लेटर डे, स्वप्निल ने बहुत सही आंसर लिया है, रेड लेटर डेज। अच्छा थोड़ा सा क्लीन लिखती हूँ, दोनों वाली, रेड लेटर डेज, ठीक है अभी तो सही है, अभी तो कोई नहीं दिक्कत। चले अगले क्वेश्चन पे। हाँ, सोने पे सुहागा, टू गेट ऑन द ग्रेवी ट्रेन, ये कल का है, जल्दी से मीनिंग बताओ सब लोग। टू गेट ऑन द ग्रेवी ट्रेन, कल मैंने बहुत बढ़िया से इसका मीनिंग समझाया था, जल्दी से सब लोग मीनिंग बताइए, कौन बताएगा, देखते हैं कल किसने किसने अच्छे से पढ़ाई की है। देखो पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक रिवाइज नहीं करोगे घर जाके, कौन बताएगा इसका मीनिंग। टू अचीव मोर, वेरी गुड, हिमांशु शर्मा ने बहुत सही आंसर दिया है, सूरज ने भी। मैंने बताया था ना ग्रेवी, आजकल लोग पनीर ना मिला के ग्रेवी बना देते हैं, मतलब लेस एफर्ट्स में बहुत ज्यादा नाम हासिल कर लेते हैं, ठीक है। हैप्पी हो जाना या लेस एफर्ट्स में मोर सक्सेस, बहुत सही। इट मीन्स यू ऑल आर स्टडिंग वेरी वेल। अगले पे चलते हैं, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है स्काई में से कोई बोल्ट मिलना, ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीज है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। स्काई में से मतलब ब्लू में से बोल्ट मिलने का मतलब है बच्चा कि अनएक्सपेक्टेड चीज होनी, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो जो ट्रिक्स मैं आप लोग को समझा रही हूं वो ट्रिक्स आप लोग के समझ में आ रही है। समझ में आ रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन अगला क्वेश्चन मैं आपको खुद से देना चाह रही हूँ। आज हम थोड़े से सुपरफ्लूस वर्ड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, सब लोग सुनिएगा। देखिए सुपरफ्लूस वर्ड्स क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए किसी ने कभी मम्मी ने अगर कभी कढ़ी बनाई हो तो किसी ने बोला मम्मी कढ़ी के साथ मट्ठा भी दे दो या दही भी दे दो, किसी ने कभी कढ़ी के साथ दही खाने की कोशिश की है, बिल्कुल नहीं की होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो चीज जिस चीज से बन रही है वो चीज हम दोबारा क्यों ले मम्मी से, है ना। सुपरफिलिस का मतलब हो जाएगा जो चीज जिस चीज से बन रही है
वो हम मम्मी से क्यों लें। मतलब अगर आपके घर में कढ़ी बन रही होगी तो आप मम्मी से ये थोड़ी बोलोगे कि मम्मी हमें दही भी ला कर दे दो, हम कढ़ी के साथ खाएंगे, है ना? समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब ये हो गया बच्चा, इसका मतलब ये है कि कोई दो वर्ड्स ऐसे साथ में आ जाना जिनमें कोई लॉजिक या कोई सेंस नहीं बन रहा हो, जो एक दूसरे के साथ आपस में नहीं आ सकते। सबको क्लियर हुई ये बात या नहीं हुई? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं, सबको समझ में आ जाएगा। कढ़ी तो दही से ही बनती है ना, तो दोनों को एक साथ नहीं ले सकते ना। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला है। चलो अब जरा मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे बताइएगा कि क्या सही है। देखिए एग्जाम्पल है एडवांस्ड वार्निंग, एडवांस्ड वार्निंग। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, इस बारे में क्वेश्चन आ जाता है मुझे, आप बच्चा लोग एक बात बताओ, वार्निंग कब दी जाती है? कहते ना भाई मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूं, ये वाला काम मत करो, मतलब तुम्हें मैं पहले ही एडवांस्ड, मतलब पहले ही तुम्हें चीजें समझा दे रहा हूं कि ऐसा काम मत करना। इसका मतलब बच्चा वार्निंग के साथ एडवांस आने का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं। बहुत ही आई मीन टू से इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। इंटरेस्टेड टॉपिक इसीलिए है क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि कौन से दो वर्ड्स एक साथ नहीं आ सकते। वार्निंग का क्या मतलब होता है? यही तो होता है ना कि भाई मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूं, तुम ये काम आगे से मत करना, मतलब मैं तुमको पहले ही समझा दे रहा हूं कि ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। तो एडवांस वार्निंग एक साथ नहीं आ सकता, नोट कर लीजिएगा। या तो आएगा एडवांस्ड या फिर आएगी वार्निंग, ठीक है? ये बात सबको क्लियर हो गई? जल्दी से बताइए, क्योंकि एक दही होगी एक कढ़ी हो गई, दही और कढ़ी एक साथ यूज नहीं की जा सकती। चलें आगे। अब मुझे एक बात बताओ, बेसिक नेसेसिटी क्या होता है? बेसिक नेसेसिटी बच्चा लोग, नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है? जो बेसिक होता है, जो हमारी बेसिक जरूरत होती है, जिनके बिना हम नहीं रह सकते। तो बेसिक, समझ में नहीं आया? मैं दोबारा से समझा देती हूँ, डोंट वरी। देखो मैं आपको बताऊं एक चीज, मैं समझा देती हूँ। देखो जैसे कि मैंने बोला एडवांस्ड वार्निंग, ठीक है? कोई मेरे से ये बोलने लगे कि भाई तुमको मैं वार्निंग दे रहा हूं, इसका मतलब ये है कि उसने पहले से ही मुझे बता दिया कि ये वार्निंग है, मतलब मैं तुम्हें एडवांस में बता दे रहा हूं कि ऐसा काम मत करना, मतलब मैं तुमको पहले ही वार्निंग दे रहा हूं। तो एडवांस के साथ वार्निंग का कोई मतलब होता ही नहीं। इसी तरह से बेसिक नेसेसिटीज, नेसेसिटीज का मतलब बच्चा वही होता है, जरूरतें होना, ठीक है? वो जरूरत होना जो बहुत ज्यादा बेसिक हो, जिनके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो बेटा बेसिक नेसेसिटीज का मतलब होता है जरूरत होना। तो या तो बेसिक लगाओ या फिर नेसेसिटीज लगाओ, समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, तो ये आपस में सुपरफ्लुअस वर्ड है, इनके दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते। अब मुझे एक और बात बताओ आप लोग सब, सर्कुलेट का मतलब क्या होता है? सर्कुलेट का मतलब होता है चारों तरफ, सर्कल, सर्कल का मतलब होता है चारों तरफ। और जब सर्कुलेट का मतलब चारों तरफ होता है तो हम इसके साथ अराउंड का यूज नहीं कर सकते। सर्कुलेट का मतलब क्या होता है? सर्कुलेट का मतलब होता है चारों तरफ, और हम इसके साथ अराउंड वर्ड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब तो यही हो गया ना, सर्कल में कोई चीज होना, ठीक है? समझ में आ रही है सबको ये बात? सर्कल में कोई चीज, रटना नहीं पड़ेगा, समझो, चीजों को समझने की कोशिश करो। मेरे को तो बहुत अच्छे से पता है, अब आप खुद से देखो ना बच्चा, सर्कल
सर्कुलर का मतलब क्या होता है? सर्कुलर का मतलब होता है सर्कल, सर्कल का मतलब है गोल, और जब इसका मतलब होता है तो अराउंड का मतलब भी तो चारों तरफ या गोल होता है ना। अराउंड का मतलब क्या होता है? चारों तरफ, या फिर कोई चीज गोल गोल होनी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो रटने की तो जरूरत ही नहीं है, बस समझने की कोशिश करो थोड़ी सी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी, ये वाला तो सिंपल सा है। एक बात बताओ, आप बहुत लोग ना ये बोलते हो मैं तो एटीएम मशीन में जा रहा हूँ। अरे एटीएम मशीन में तो मशीन ऑलरेडी है ना, ऑटोमेटिक मशीन लिखी हुई है उसमें, तो एम का मतलब मशीन ही है, तो एटीएम क्यों बोल रहे हो आप? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं एटीएम मशीन में जा रहा हूँ? यही बोलोगे ना, मैं तो भाई एटीएम में जा रहा हूँ, मशीन का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना यार। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब देखो अगला वर्ड देखो, एग्जैक्ट और सेम। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग सब, भाई सेम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल सेम है, तो एग्जैक्ट का तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा ना। एग्जैक्ट का मतलब है बिल्कुल, और सेम का मतलब भी बिल्कुल, तो दोनों एक साथ लॉजिक नहीं दे रहे ना, इसीलिए एग्जैक्ट और सेम एक साथ नहीं आ सकता। समझ रहे हो मेरी बात? जल्दी से सब लोग बताइए, समझ रहे हो? एग्जैक्ट और सेम एक साथ नहीं आ सकता। चले आगे, क्लियर हो गया? अगला देखो, अगला वर्ड है फॉरेन और इंपोर्ट्स। अब मुझे एक चीज बताओ यहां, फॉरेन के साथ इंपोर्ट्स आ सकता है क्या? दिमाग लगा के बताना खुद से। फॉरेन के साथ इंपोर्ट्स का यूज हो सकता है क्या? सोचो, खुद से सोचो। नहीं हो सकता ना। अरे इंपोर्ट्स का तो मतलब ही होता है जो चीज हम फॉरेन से मंगाते हैं, जो चीज हम हमारी लैंड से नहीं मंगाते, फॉर लैंड से मंगाते हैं, मतलब बाहर की लैंड से मंगाते हैं, उसका मतलब बच्चा इंपोर्ट ही होता ना। अब फॉरेन के साथ इंपोर्ट का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना, खुद से सोचो आप। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अच्छा चलो मुझे एक चीज और बताओ, एक बात बताओ, अल्टरनेटिव और चॉइस में क्या फर्क है भाई? दोनों का मतलब तो वही है ना, बताओ कि नहीं है, है कि नहीं? अल्टरनेटिव में और चॉइस में कोई फर्क है क्या? नहीं है। कैसे फर्क नहीं है बच्चा? क्योंकि कहते हैं ना भाई तुम अपना चॉइस कर लो। चॉइस का मतलब होता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं, मतलब तुम्हारे पास, तुम बहुत सारी चीजों में से एक चीज चॉइस कर सकते हो, मतलब तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव है। कहते हैं ना इसका कोई ऑल्टरनेटिव होगा, मतलब इसका कोई और ऑप्शन हो सकता है। इसका मतलब ऑल्टरनेटिव के साथ चॉइस का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना बच्चा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो सुपरफ्लूस होते हैं, ये कभी भी एक साथ यूज नहीं हो सकते। समझ रहे हो? एक और बताओ, अब देखो मुझे एक बात बताओ, रिप्लाई या रिवर्ट के साथ बैक का यूज हो सकता है? रिप्लाई के साथ या रिवर्ट के साथ बैक का यूज हो सकता है? सोच के बताओ। रिप्लाई के साथ या फिर रिवर्ट के साथ बैक का यूज हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जहां पे भी री आ गया उसका मतलब तो हो ही गया वापस, और जहां पे री आ गया उसका मतलब वापस हो गया, तो उसके साथ तो बच्चा बैक का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। तो रिवर्ट या रिप्लाई के साथ बैक तो कभी भी नहीं आ सकता। समझ रहे हो? रिप्लाई के साथ और रिवर्ट के साथ तो बैक नहीं आ सकता। अच्छा एक बात और सोचो, दिमाग लगाना, मुझे बताना। देखो थोड़ा सा ना माइंड का गेम है, जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हो ना वही है, ठीक है?
रीजनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, रीजनिंग का मतलब होता है अपना लॉजिक, अपना कंसेप्ट अप्लाई करना. अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी कभी एक साथ यूज हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम रियल लाइफ में यूज करते होंगे लेकिन इंग्लिश ग्रामर नहीं बोलता, कर लेते होंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इंग्लिश ग्रामर नहीं बोलता. बताओ जल्दी से. अच्छा, इमरजेंसी कब आती है? इमरजेंसी आपको बता के आती है कि भाई मैं आ रही हूं आज, है ना? कहते हैं इमरजेंसी पड़ गई, मुझे ये काम पहले पता नहीं था ऐसा होगा, तो मतलब अनएक्सपेक्टेड काम मेरे साथ हो रहा है. क्या दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं? कतई यूज नहीं हो सकते, बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकते. क्योंकि भाई इमरजेंसी कब पड़ती है आप लोगों को? कहते ना मुझे आज इमरजेंसी है, मुझको तो बहुत जरूरी पैसे चाहिए, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उठा के रख लेती पैसे, है ना? अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई मेरे साथ, तो बताओ अनएक्सपेक्टेड के साथ इमरजेंसी आ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकता. समझ रहे हो ना? अच्छा एक बात बताओ, एक और चीज है, पता है लॉजिक है सब कुछ, लॉजिक और कुछ भी नहीं है, है ना? अब देखो एक बात बताओ, सम के साथ टोटल आ सकता है? सम के साथ टोटल आ सकता है? सोच के बताओ. सम के साथ टोटल का यूज हो सकता है? भाई सम का मतलब ही जोड़ना होता है. और टोटल का मतलब भी जोड़ना होता है. या तो आप सम लगा दो या आप टोटल लगा दो, एक ही तो चीज लगा सकते हो ना. या तो सम लगाओगे या टोटल लगाओगे, बिल्कुल नहीं आ सकता. अब आप देखो, जब मैं आपको बता रही हूं तब आप मुझे बता रहे हो हाँ मैम और नहीं मैम. अगर आप पहले से ही समझ लेते तो क्या आपको नहीं पता होता? अच्छा एक और चीज बताओ, एक और चीज मैं जानना चाह रही हूं. जैसे मैंने बोल दिया बच्चा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज. अच्छा मुझे एक बात बताओ, सरप्राइज आपको एक्सपेक्ट होता है क्या? क्या हाँ भाई वो मुझे सरप्राइज देगा? सरप्राइज तो आते ही अनएक्सपेक्टेड है, हाँ कि ना? सरप्राइज थोड़ी बता के आते हैं कि हाँ भाई मैं तुमको सरप्राइज दे रहा हूँ. सरप्राइज का तो मतलब ही होता है अरे उसने मुझे सरप्राइज दे दिया, मतलब मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था उसने मुझे वो चीज दे दी. सरप्राइज तो अनएक्सपेक्टेड ही होता है ना. समझ गए? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? चलिए बच्चा आज का सेशन इतना ही था. अब हाँ मेरे को थोड़े से लेट कमेंट मिलते हैं, यूट्यूब ना थोड़ा सा लेट चलता है बच्चा. देखो अब हम आज 6 बजे वाले सेशन में मिलेंगे, उसमें मैं आपको एरर डिटेक्शन CDS के प्रीवियस ईयर के एरर डिटेक्शन करना सिखाऊंगी कि एरर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है. सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा ये वाला सेशन शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे तक, एरर डिटेक्शन. ठीक है गाइस, जिसने अगर सेशन को शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछ सकते हैं. ठीक है गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेस क्लास ऑफ 4 PM. कल भी हम 4 बजे मिलेंगे, कल भी मैं आपको सुपरफ्लूस वर्ड्स कराऊंगी. और हाँ हाँ बिल्कुल ऑफलाइन देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और आज हम करेंगे एक नया एरर डिटेक्शन का पार्ट, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. सबको जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि उसमें मैं बहुत ज्यादा नई ट्रिक बताऊंगी. थैंक यू सो मच स्टूडेंट, सेशन को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा, और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए. थैंक यू सो मच, बाय बाय.
हाँ मैं कल क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर मिलने चाहिए। बहुत सही बात है।